हेलो डियर, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। कल पढ़ाए थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। उसके बाद आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, और बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। तो देखिए, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, जब 11th में आप पढ़े थे तब आपको हम पढ़ाए थे जो इसमें पांच चीज होता है। एक तो होता है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटी, तीसरा होता है इनकम, चौथा होता है एक्सपेंस और पांचवा होता है कैपिटल। एसेट्स का मतलब संपत्ति, लायबिलिटीज का मतलब दायित्व, इनकम का मतलब आमदनी और एक्सपेंस का खर्चा, और कैपिटल तो आप जानते ही पूंजी। तो ये जो बात है ना, ये जो चार पांच चीजें हैं, ये जनरली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये शब्द यूज किया जाता है। लेकिन पैसा का लेना और पैसा का देना तो यहां भी है। तो देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट में इसका नाम जो है ना, अलाभकारी संस्था में यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका नाम बदल जाता है, बट रहता वही है, नाम बदल जाता है। नाम बदलने से इंसान चेंज नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार यहां नाम चेंज हो जाता है। तो पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट का इनकम को यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और रेवेन्यू पेमेंट को एक्सपेंस के बदले जो है ना रेवेन्यू पेमेंट का यूज किया जाता है। यहां पे रेवेन्यू पेमेंट जो है ना वहां का एक्सपेंस है, यहां का रेवेन्यू रिसिप्ट वहां का इनकम है, और कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी है और कैपिटल पेमेंट एसेट्स है। चार चीज हो गए ना, एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है लायबिलिटी, वहां का लायबिलिटी यहां का कैपिटल रिसिप्ट, वहां का एसेट्स यहां का कैपिटल पेमेंट। तो देखिए, इनकम और एक्सपेंस कहां जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में। इनकम और एक्सपेंस जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां इनकम और एक्सपेंस जो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। यहां कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वहां पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट, वहां पे एसेट्स और लायबिलिटी होता था, यहां पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट होगा जो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हम लोग सीख लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी सीख लिए और बैलेंस शीट भी सीख लिए। खैर ठीक है, इससे आगे जो ना हम एक क्वेश्चन से आपको जो ना समझाने का कोशिश कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो हम क्वेश्चन उठाते हैं, लाइए बुक लाइए प्लीज। देखिए क्वेश्चन है, करा प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चाइना क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जहां से कोरोना आया है वहीं का क्लब, चाइना क्लब, इंफॉर्मेशन दिया गया। क्या बता रहा? बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। इसमें रिसिप्ट में कुछ दिया हुआ, पेमेंट में कुछ दिया हुआ, आइटम पढ़ते हैं। करा सब्सक्रिप्शन रिसीव, रेंट फ्रॉम रूम, गेम्स फी, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंट्रांस फी, डोनेशन, ये रिसिप्ट में था। पेमेंट में देखिए, रिपेयर, पेटी एक्सपेंस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैंटीन स्टोर, वेजेज ऑफ ग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, रेंट एंड टैक्स, ये था पेमेंट में। अब जो है कुछ एडजस्टमेंट इसके साथ दिया हुआ, क्या दिया हुआ? करा There were outstanding salary 300 and accrued subscription 500 at the end of the year. Furniture is to be depreciated by 200. Cash balance 1st January 2018. Cash balance 31st December. देखिए, इसमें receipt में भी दिया हुआ और payment में भी दिया हुआ। Receipt side में भी दिया हुआ और payment side में। मुझे कह रहा है receipt and payment account बनाइए। तो देखिए, हम आपको बोले थे receipt and payment account में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको हम क्या बोले थे, यहां पे हम एक्चुअल रिसिप्ट जितना भी पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष का मतलब क्या, एक फिनेंशियल ईयर में 1/4/2019 मान लीजिए 19 से 31 मार्च 2020, इसमें जो भी पैसा रिसीव होगा, जो भी पैसा रिसीव होगा पूरे साल में, हम रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, और जो भी पैसा यहां से खर्च होगा, पेमेंट करेंगे किसी को, उसको हम पेमेंट साइड लिखेंगे।
रिसिप्ट को डेबिट साइड में लिखते हैं और पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, सिंपल सी बात है, रिसिप्ट को डेबिट में और पेमेंट को क्रेडिट में। लेकिन ध्यान रहे पूरे साल का, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में के बीच में जितना भी पैसा रिसीव होगा सब रिसिप्ट साइड में, और जितना भी पैसा पेमेंट करेंगे वो पेमेंट साइड में, बस इतना ही तो है। लेकिन ध्यान रहे एक्चुअल रिसिप्ट होना चाहिए और एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए, इसके सिवाय इसमें कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी पैसा है तो हम क्या करेंगे उसको सबसे पहले क्या ओपनिंग बैलेंस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो है ना देंगे, जो दिया हुआ 1/1/2018 का दिया हुआ है 11,116 रुपए दे दिए। उसका सब्सक्रिप्शन रिसीव निश्चित रूप से रिसीप्ट साइड में होगा, रिसीप्ट साइड में होगा। तो सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना 2400 रुपए। उसके बाद है रेंट, रेंट कितना है, रेंट है 140 रुपए। उसके बाद गेम्स फी, जैसे आप लोग टूर्नामेंट करवाते हैं, हॉकी करवाते हैं, बैडमिंटन करवाते हैं, तो उसके लिए कुछ फी लेते हैं, वो आपके लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, इनकम साइड में, रिसिप्ट साइड में। गेम्स फी 700, उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन कैंटीन कितना है 1500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे पैसा लगाए हुए हैं उससे आपको जो है इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से आपका रिसिप्ट होगा, मिलेगा 720 रुपए। एंट्रेंस फी, ये क्या होता है एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी भी इसको बोला जाता है एंट्रेंस फी। आपके पास कोई इस तरह का चीज है जिसमें जो ना प्रवेश शुल्क लिया जाता है, एंट्री करने का फी लिया जाता है, आपके लिए रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में इनकम है। डोनेशन, डोनेशन ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए क्रेडिट साइड में, यानी पेमेंट साइड में, एक को दिया हुआ रिपेयर, रिपेयर 144 रुपए। दूसरा पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस 240 रुपए। उसके बाद सैलरी, सैलरी 1200। उसके तो देखिए क्रेडिट साइड में क्या लिखे, रिपेयर 144, पेटी एक्सपेंस 240, सैलरी 1200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 360, कैंटीन स्टोर्स 1020, 1020, वेजेज ऑफ ग्राउंड, वेजेज ऑफ ग्राउंड 816, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 480, रेंट एंड टैक्स 600। ये हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चों का ये प्रश्न आता है जो हम बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल पाते। बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए जो आसान तरीका है, क्या करेंगे, डेबिट साइड का आप जोड़ लीजिए और क्रेडिट साइड को जोड़ लीजिए, कहीं रफ में, कहीं रफ में आप डेबिट को भी जोड़ लीजिए और क्रेडिट को भी जोड़ लीजिए। जो ज्यादा है, या डेबिट साइड ज्यादा है तो दोनों साइड लिख दीजिए, या क्रेडिट साइड ज्यादा है तो भी दोनों साइड लिख दीजिए, और जिस साइड कम है, कितना कम है, उसका बैलेंसिंग निकाल देंगे। तो देखिए इसका ओपनिंग तो दिया ही था, इसका जो बैलेंसिंग आया वो आ गया क्लोजिंग, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 3516 रुपए, यानी इसका आंसर क्या हो गया 3516 रुपए। इसका मतलब हुआ पूरे साल में मेरा कैश रिसिप्ट है इतना, पूरे साल में मेरा कैश रिसिप्ट है इतना, और पूरे साल में कैश पेमेंट है इतना, और बच गया वो मेरे पास है। सीधी सी बात है, जो बच गया वो मेरे पास है, बस यही आंसर है, यही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना आसान लगा, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है। चलिए थैंक यू, ठीक है। तो इतना तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया ही था, मतलब रिसिप्ट कर दिया था और पेमेंट कर दिया था। देखिए हम छोड़े क्या है इसमें, ये छोड़ दिया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, ऐसा सैलरी जो काम करवा चुके हैं और पैसा नहीं दिए हैं। तो पैसा नहीं दिए ये मेरा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी यहाँ पे
आएगा, लायबिलिटी आता है ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या बोले थे, जो एक्चुअल रिसिप्ट है और एक्चुअल पेमेंट है, एक्चुअल कैश आएगा तो ही लिखेंगे और एक्चुअल कैश जाएगा तो ही लिखेंगे। तो क्या एक्चुअल कैश जा रहा है? नहीं ना जा रहा, तो ये लायबिलिटी क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग है, ये इसमें नहीं जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, चंदा मेरा अर्जित हो चुका, हम कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है, ये नहीं मिला नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्रूड हो गया। फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड, ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे नहीं जाएगा। बार बार एक ही चीज हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जो एक्चुअल कैश आएगा रिसिप्ट साइड में, एक्चुअल कैश जाएगा पेमेंट साइड में, इसके बाद मुझे कुछ नहीं लेना, बस यही तो है, हो गया, धन्यवाद। तो हम ये हो गए, निकाल लिए इसका आंसर, बस ऐसे ही बनाएंगे। हाँ एक और बात, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा आपको लग रहा है, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, अकाउंटेंसी की किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो मुझे कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए धन्यवाद।